मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एमएम वली स्टेडियम में कोविड 19 के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए 200 बेड का सेंटर बनाया जा रहा है। लगभग 100 बेड स्टेडियम में पहुंच भी गए हैं और भी सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी सेंटर को लेकर आज स्टेडियम में एक मीटिंग रखी गई थी और जिसमें मनपा कर्मचारियों सहित नियोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सिंधे भी मौजूद थे और मुंब्रा कौसा के नगर सेवक भी थे और कुछ दिनों में ये सेंटर चालू भी हो जाएगा। इस सेंटर की देख रेख नियोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सिंधे करेंगे और इनके साथ मुंब्रा कौसा के डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टरों की टीम भी रहेगी। तैयारी जोरों से चल रही है। लगभग 100 बेड भी स्टेडियम में लगा दिया गया है और 100 बेड अभी लगाना बाकी है। कुछ दिन में ही कोविड 19 के सिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज यहाँ शुरू हो जाएगा, मगर इस सेंटर में जो मिनिमम चार्ज लिए जा रहे हैं उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम और नगर सेवक जफर नुमानी ने कहा है कि कालशेखर अस्पताल में 10 से 12 हज़ार रुपये एक दिन के चार्ज लिए जा रहे हैं, तो अगर टीएमसी ये सेंटर बना रही है तो इसमें 5,500 रुपये मिनिमम चार्ज क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों नहीं कोविड 19 के मरीजों का यहाँ इस सेंटर में फ्री इलाज हो? लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में लोगों से मिनिमम चार्ज लेना कितना सही है? इसलिए कोविड 19 के मरीजों का इलाज फ्री में होना चाहिए। नगर सेवकों ने इस पर क्या कहा है हम वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले नियोन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सिंधे ने किस तरह से इस सेंटर में मरीजों का इलाज होगा उसके बारे में क्या जानकारी दी है हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहला तो मैं अपने टीएमसी का सबसे पहला शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो अभी मुंब्रा कौसा के लिए सबसे ज़रूरी है। एज पर जो पूरी दुनिया पे जो चीज़ें बीत रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, लोगों को मोर्टेलिटी वगैरह होने के आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको अभी अगर अवेयर नहीं हुआ तो हम लोग को ये सब देखना है। तो दूसरा बात ये मैं आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ, नियोन हॉस्पिटल पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे कोविड के लिए काम कर रहा है और एज अ लोड हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, लेकिन हम लोग एज अ वॉलंटियर हम लोग ने ये नया सेंटर को हम लोग ने प्रोटोकॉल सेट करके देना, उनको हेल्प करना, उस हिसाब से हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे साथ में हमारे मुंब्रा के बहुत सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो टीम है उनको हम लोग साथ में ले रहे हैं और ये जो पूरा लीड है मुंब्रा एसोसिएशन के सब डॉक्टर्स मिलकर हम लोग ये कोविड सेंटर को चलाने वाले हैं। सभी डॉक्टर्स की टीम इनके साथ में रहेगी और जो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं वो सभी डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और जितने जो भी मेडिकल डॉक्टर्स की सुविधा की का जो जिम्मेदारी रहेगी वो इंशाल्लाह डॉक्टर एसोसिएशन पूरा करेगी। तो उसका मेन मकसद हमारा यही था कि भाई मुंब्रा में जो पेशेंट्स जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं, और डॉक्टर दुबे साहब ने जैसे बताया कि पॉजिटिव होने से उसको तो असिम्प्टोमेटिक है, उसको तो तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो फैल रहा है जो फैलेगा वो रोकने के लिए ये एक आइडिया हमारे दिमाग में आई कि भाई या तो उसके पेशेंट के क्योंकि कोविड पॉजिटिव है तो उसको एडमिट होना है तो प्राइवेट में उतना एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकता, मुंब्रा के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है, तो एक तो हम उसका पैसा भी बचाना चाहते हैं, दूसरा हम इस बीमारी को फैलने से भी बचाना चाहते हैं। वही एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम और नगर सेवक जफर नुमानी ने इस सेंटर में जो मिनिमम चार्ज लिए जाएंगे उस पर आवाज उठाई है, कहा है कि आखिर फ्री में इलाज क्यों नहीं। जिस तरीके से नवाब मलिक साहब का स्टेटमेंट आ रहा है बीएमसी में फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें हो रही है, तो सर उनको क्या पैसा आसमान छू कर रहा है क्या? उनको बीएमसी के लिए क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुख्यमंत्री देखिए ऐसा है कि जैसे ये आज ये मीटिंग बुलाई गई थी कि आयुक्त साहब यहाँ आ रहे जो 200 बेड का ये सेंटर बना रहे थे, तो हमने मतलब ये मीटिंग में देखा कुछ लोग ये बता रहे कि मतलब जो नोएन हॉस्पिटल है वो इसका उसके अंडर में रहेगा,
तो मतलब हमने कहा कि भाई देखिए जो कालचक्र हॉस्पिटल यहाँ पे जो हमारे पेशेंट जो जा रहे हैं 3-3 लाख रुपए की बिल हो रही है, तो अगर ये जो हॉस्पिटल हम 200 बेड का कर रहे हैं ये क्या है, फ्री में रहेगा कि क्या? तो उन्होंने बताया मतलब कि 5,500 रुपया पर डे पूरे 10 दिन का खर्चा है, अब उसमें दवा है ये सब है, खाना वगैरह भी मिलेगा। तो मेरा ये मानना था कि अगर जो कोरोना के ट्रीटमेंट हो रहा है तो अगर ये 5,000 में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मुमरा जैसे शहर में इतना सस्ता काम हो जाएगा। और मेरी तो ये मांग थी, हमने तो ये मांग किया मनीष जोशी साहब के सामने कि जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका वो अपने इलाके के लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो मेरी ये मांग थी कि हमारी थाना महानगर पालिका भी इससे ज़्यादा पैसे वाली है, इससे बड़ा बजट है हमारा, हमको भी इसको फ्री करना चाहिए। कम से कम ये जो टेस्ट है 5,500 रुपये का एक टेस्ट होता, सीएम साहब ने बोला था कि हर उसको प्रेगनेंट औरत जो उसका फ्री में होगा, तो ये सब करना चाहिए, सब लागू होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होना चाहिए, इसको जमीनी स्तर पे लाके काम होना चाहिए कि भाई यहाँ यहाँ पे फ्री हो रहा है, दिखना चाहिए कि यहाँ पे फ्री में इसका सेंटर बना है या फ्री में लैब चालू है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ अगर जो पेपर में बन रही है, प्रस्ताव बन रहा है, उसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। तो अच्छी बात है, फ्री होना चाहिए, खाली बात करने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे लाया जाए सरकारी जितनी भी जो सरकार से सुविधा मिल रही है वो सारी चीज़ें लाना चाहिए, ताकि खाली अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे ये फैसला आ रहा वो फैसला आ रहा उस पर नहीं बात होगी। बात एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि इलाज फ्री में होगा हमारा, हमारी यही मांग है, बार बार मेरी यही मांग है कि अगर थाना महानगर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका फ्री कर सकती है तो थाना महानगर पालिका इसको फ्री करना चाहिए। ये किसी का पर्सनल तो है नहीं, या आमदार साहब या किसी का नहीं है, अगर ये हमारा कमिश्नर ये स्टेट गवर्नमेंट ने दी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से थाना महानगर पालिका जो बजट ला रही लावे और ये गरीबों का इलाज करे वो अपने पैसे से। दरअसल इन नगर सेवकों का कहना है कि कालचक्र अस्पताल में एक दिन का कोविड-19 का चार्ज 10,000 से 12,000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो जिस सेंटर को TMC बना रही है और उसमें नियोन पार्टनरशिप है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कोविड-19 का इलाज फ्री होना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।